बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजे की ये गेम है। गेम ये है कि मेरे एक हाथ में होंगे 500 रुपीज़, एक हाथ में होंगे 100 रुपीज़। तो अभी फजल बास भाई डिसाइड करेंगे कि जो मेरी मुट्ठी खुलेगी, जिस मुट्ठी में जितने पैसे होंगे फजल बास भाई के, वो पैसे हो जाएंगे। जवानों, कैसा लगा जी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करके? मजा आया सबको? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़लो करम से बिल्कुल हैरियत से होंगे। आज ईद है, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। अभी ये हमारी ये विलेज की गली है, अभी जा रहा हूँ मैं मस्जिद में, अभी ईद की नमाज का वक्त है। मस्जिद पहुँच चुका हूँ और इमरान भाई ऐलान करने लगे हैं। अभी इमरान भाई ने ईद का ऐलान किया है, अब मुझे टाइम का मुझे नहीं पता चला क्या ऐलान किया है। अभी ये मस्जिद है, मस्जिद में आ चुके हैं। अभी इमरान भाई ऐलान किया, आपने कब है नमाज? 15 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है, यही दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत दिन की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में हमारी इस बस्ती पे, हमारे इस छोटे से गांव पे अपना खुसूसी रहमो करम, फ़ज़लो करम अनायत फ़रमाए। सबसे खूबसूरत पापा जी आपकी फ़ोटो आई है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी आप बोलें जी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बस। आज के हमारे मेहमान खुसूसी मिस्टर हादी हसन भाई, कैसे हैं हादी भाई? इमरान भाई ये इनका इंट्रोडक्शन कराएं, हमारी पिछली वीडियोज़ में भी आ गए हैं। ये कौन भाई साहब हैं? ये हैं जी सैयद मोहम्मद हादी जाफरी और ये मेरी छोटी सिस्टर के बेटे हैं, लेकिन ये हमारे सब के अंकल हैं। ये हम सबको तंग कर लिया। हादी भाई ईद कैसे सेलिब्रेट की है? ईद पे क्या क्या किया आपने? हमारे जी 3-4-5 सूट है, अभी हमने एक पहना, थोड़ी देर ठहर के हमने चेंज करना है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, अभी जो है ईद की नमाज पढ़ ली है। सबसे अच्छी बात यह कि एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे अभी ईद की नमाज पढ़ी है। अभी देखते हैं हमारे विलेज की गलियों में घूमते फिरते हैं, देखते हैं गलियों में क्या हो रहा है, बच्चे ईद की सेलिब्रेशन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी फजल बास भाई भी ईद की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और ये बच्चे देखें माशाल्लाह, अभी ये आए हैं शॉपिंग करने के लिए। ये भाई रजा अभी स्टॉल लगा के अंदर बैठे हुए हैं। कल वाली वीडियो में आपने अंकल रजा को देखा होगा लास्ट पे, आज आपको याद है लास्ट पे आपने क्या बोला था? याद है? कोई नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस। तो ये चचा रजा की दुकान है, अभी ये चचा रजा भाई के कस्टमर आ रहे हैं। ओ बानी भाई, क्या लेके जा रहे हैं जी? खीर लेके जा रहे हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ना जी ना, बहुत बहुत शुक्रिया। खाएं आप, कैसे हैं आप? ठीक है ना? खैरियत से? ईद मुबारक हो आपको। फजल बास भाई क्या खरीदना है? फजल बास भाई अभी शॉपिंग करने के लिए आए हैं। ये भाई रजा का स्टॉल लगा हुआ है, क्या खरीदना जी? यहाँ पे तो सारा असला और बाकी सारे सामान पड़ा हुआ है। वैसे फजल बास भाई की जो ईदी है ना, जो हर साल ईद होती है, वो 100 रुपीज़ होती है, लेकिन इस बार फजल बास भाई के लिए मैं एक छोटी सी गेम लाया हूँ। गेम आ गई है जी, बड़ी दिलचस्प गेम आ गई है हमारे यहाँ पे। अभी ये कैश है मेरे हाथ में,
बहुत ही मजे की ये गेम है। गेम ये है कि मेरे एक हाथ में होंगे 500 रुपीस, एक हाथ में होंगे 100 रुपीस। तो अभी फजलबाज भाई डिसाइड करेंगे कि जो मेरी मुट्ठी खुलेगी, जिस मुट्ठी में जितने पैसे होंगे फजलबाज भाई के, वो पैसे हो जाएंगे। अभी फजलबाज भाई को बताए बगैर मैं ये पैसे छुपाऊंगा अपने हाथों में। अभी किसी को भी नजर ना आए तो मैं इधर होके करता हूँ, कोई पीछे से इशारा ना करे। पैसे मैंने बिल्कुल छुपा लिए हैं, एक हाथ में 100 रुपीस हैं, एक हाथ में 500 रुपीस हैं। वैसे फजलबाज भाई की जो ईदी है ना वो 100 रुपीस ही है, लेकिन अभी बहुत बड़ी ऑफर है, डिसाइड आपने करना है जी। इधर लाएं जी, फजलबाज भाई के फेस पे लाएं, डिसाइड आपने करना है किस हाथ में कितने हैं। वैसे ईदी तो उतनी मिलनी है, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा ईदी भी मिल सकती है, जो आपकी किस्मत में हुआ। सोच समझ के आपका वक्त शुरू होता है जी। अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा, पक्की बात है। सोच ले, बाद में ये नहीं बोलना कि मुझे वक्त नहीं मिला जी। पक्की बात है, सही खोल दो जी। ठीक है, ये ले जी 500 रुपीज हो गए। ये देखिए नया नोट है और 500 रुपीज अभी हो गए, और ये 100 रुपीज बाकी वापस मेरे पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, ईद मुबारक हो आपको। यार मुबारक। अच्छा जी, आज हम पूछने आए हैं जी, ईदी मिली जी आपको? जी मिली। कितनी ईदी मिली? 2000। 700-800 हो गया। 1000। 300। 2000। 500। 10000। 2000? पापा ने इतने ज्यादा पैसे दिए। 300 मिले। ईदी कितनी मिली है? 500। खा दी? नो। अभी रखी हुई है जी। क्या करोगे? नो। कंजूस बच्चा है, पैसे संभाल के रखेगा अगली ईद तक। नो। अच्छा नहीं, कंजूस नहीं है जी, खर्च करेगा। पैसे में बंदा माड़े बंदे को याद करता है। ले ना ले। इतने ज्यादा डाल रही है, गिरने लगे। ईदी कितनी मिली है? कोई नहीं, जा रही मिली है बस। कोई नहीं जा रही, इसके ख्याल से जा रही थोड़ी है। ये मेरे छोटे भाई हैं बिशारत अली। सबसे पहला सवाल जनाब ये है कि ईद कितनी मिली है आपको? अभी तक तो 2000 मैं ले चुका हूँ। 2000 रुपये ले चुके हैं, किस किस से मिली है? अभी मैंने भाई से ली है, अभी मैंने। और भाई का नाम लेना, भाई कौन से थे? भाई सैयद फ़कीर हैदर से लिया। मैंने इसी वजह से स्पेशल पूछा जी, मेरा नाम लिया जी। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि अभी आपका कोई प्लान है बाहर घूमने फिरने का, या कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से अब हम नहीं जाएंगे कहीं। ये देख लीजिए, पबजी का प्लान है, अभी घर में बैठ के ना पबजी खेलेंगे। अच्छा तो भाई, ईद कितनी इकट्ठी की आपने? होगी है कोई जाहर जैसे। माशाल्लाह 1000 रुपये ईद हमारे तकी भाई ने इकट्ठी कर ली है। तो आपका क्या प्लान है, शॉपिंग करने का, आगे पीछे घूमने फिरने का है? बोर होना है। घर में बोर होना है तो नहीं, घर में पबजी। नहीं, घर में पबजी। और माशाल्लाह आज ईद का दिन है, ईद का दिन है निसम भाई, मेरे ताया अबू के बेटे हैं जी ये। और आपके स्लीपर के दे रहे मुझे, ये तो बताए। ईद मुबारक हो आपको। ये मैं स्लीपर किधर आपके है? यार मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अलअज़ीम। अभी ईद की नमाज भी हो चुकी है आपके, अभी नमाज भी पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब बहुत माजरत करता हूँ आपसे, मुझे असल में कल बहुत ज़्यादा काम था, मेरे 2-4 घर के भी काम थे, वो भी मैं भूल गया था। तो मैं अभी 2 मिनट में मस्जिद से हो गया, आपका सामान भी पड़ा हुआ है और आपकी इमानत जो है ना वो मेरे पास पड़ी है, मैं 2 मिनट में मस्जिद से हो गया। आज से 2 दिन पहले वो हमारे जो भाई हैं ना, उन्होंने मैंने उनसे बात की थी कि यहाँ पे सारी जो है ना हमारा ये जो मस्जिद है, मस्जिद वाले इलाके की सफाई करनी है, तो उन्होंने सफाई की थी। और ये सामान जो है ना, ये सारा सामान, ये राशन है, ये उनके लिए ला के रखा था, लेकिन 2 दिन पहले यानी कि आज से करीबन 2 दिन पहले इतने ज़्यादा मुझे काम थे तो मैं उन्हें ये नहीं दे सका। सबसे पहले तो जी देखें, पीछे आज ईद का दिन है और हमारे भाई आज भी मेहनत कर रहे हैं, वो देखें काम कर रहे हैं, तो उनकी अजमत को सलाम है जो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी ले जी, अभी चेक करते हैं अली वली का मैथ कैसा है। आपके पास थे 2000 रुपये, ठीक है, आपने इरादा किया कि उसमें से 1000 रुपया मुझे देंगे या कुछ देंगे, कितने देंगे ये आपने बताना है। देंगे 1000 रुपया आपने अपने पास रख लिया, अब आप मुझे कितने देंगे? 500 दें। लेंगे। अच्छा जी, उधर देखे बोलो सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। 1 रुपया मिले? 1 रुपया मिले? कोई नहीं मिले? 1 रुपया मिले? कोई नहीं मिले? आज मेरे हार का माड़ा बंदा। तो ये हाथ में तो गन्ने 2-2 पकड़ी हुई और कह रहे हो मिला कुछ नहीं? पकड़ू कहाँ से? नहीं है घर से। बाबा को मिस कर रहे हो?
उधर देखे कैमरे में बोलो बाबा आई मिस यू। आई मिस यू। हाय हेलो जी, मशरक व मगरब के 4,932 किलोमीटर का फासला बिल्कुल तय नहीं किया, ये साथ वाली गली से आए हैं। चलते चलते पहुँचे हैं हमारे सामने पपना किराना स्टोर के मालिक पपना मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। क्या क्या किया सुबह से? क्या क्या किया सुबह से? दुकान पर बैठा हूँ। आज हम नमाज़ पढ़ने नहीं आए? मैं पढ़ता ही नहीं सरकार लो जी ये मैं वो कह रहा जी मैं पढ़ता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है? दुआवां तुसी सुनाओ। ईद दा सुनाओ। गर्मी देखे कितनी गर्मी है कि डॉगी जो है वो ये नाले में बैठा हुआ है, चूंकि नाले का ठंडा पानी होता है तो डॉगी नाले में बैठा हुआ है और उसे सांस देखे किस तरह से आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज चूँकि ईद है तो हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन है कि ईद वाले दिन जो है ये शाम को मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पे घर में मिलके जो है ख़त्म होता है, दुआ होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये रिवाज है, ये ट्रेडिशन है, हमारी ये रिवायत है कि जब भी ख़त्म हो तो ख़त्म में कुछ मीठा होना ज़रूरी है। तो अभी जो है ये मीठा ख़रीदने के लिए यहाँ पे ये अजवा से थोड़ा सा मीठा ख़रीदा है, तो अभी ये मीठा लेके घर चलते हैं। क्या क्या खाया? खीर खाई है, रोटी खाई है, जूतियों के अलावा तो बहुत कुछ खाया है। कुल्फी खाई है, 50 वाली लेस खाया है, गोश्त दे, खीर दे, चाट खाए, चाट खाई है, फ्रूट चाट, रसमलाई, कस्टर्ड, कुछ भी शहर से चीज़ें ला के खाई हैं, घर में कुछ सामान बनाया, दो प्लेट में चाट, अच्छा, और दो प्लेट सेवियाँ। हर काम डबल में करता है जी, कहीं घूमने जैसे ये सारा ही निकला हुआ। अच्छा मुझे क्या खिला रहे हो बताओ ना। व्यूअर्स आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताना कि हमारे विलेज में, हमारे गांव में ईद की खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, कितने ज़्यादा भरपूर तरीके से हम सब मिल के बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, चूँकि ईद जो है ना ये बच्चों की होती है। बोर तो नहीं हुए आप? ईद कैसी गुजर रही है जैगम भाई, मज़े किए? बिल्कुल बोरिंग, बोरिंग गुजर रही है, इसी वजह से आप नहीं नहीं आप आई नहीं ईदी को छोड़े, जैगम भाई आप आई नहीं, मैं सुबह बच्चों के साथ घूम फिर के हमने इतना इन्जॉयमेंट की है, हम कोरोना वायरस की वजह से बाहर नहीं जा सके, हमने अपनी ईद जो है ना अपनी मोहल्ले की गलियों में सेलिब्रेट की है। आप हमें भी ईदी देना, आप हमें भी ईदी देना, ईदी ईदी आप देखिए ईदी का बड़ा हुआ जैम भाई को जी, ईदी दे ईदी। अभी बाजार गया था तो ये ग्लव्स डाले थे, ये देखिए जी ग्लव्स, अगर आप उतारे ना थोड़ी देर बाद तो आपके हाथों की कंडीशन कुछ इस तरह की होती है, ये देखें। अभी कब्रिस्तान जा रहे हैं, रास्ते में देख सकते हैं ये तालाब है हमारे गांव का सबसे बड़ा तालाब, और हमारे गांव के जितने भी लोगों के पास भैंसे हैं, गायें हैं, भेड़ बकरी हैं, तो वो ख़ास तौर पे जो भैंसों वाले हैं वो भैंसे यहां पे आके नहाती हैं। अभी देख सकते हैं ये बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है, ये इनकी ईद सेलिब्रेट हो रही है यहाँ पर, ये अपनी ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, नहाना ये सबसे बड़ी ईद है इनके लिए, इनके लिए तो ये आज ईद का दिन होगा जी, अभी ये पूरी ईद इन्जॉय कर रही हैं, वो देखें एक दूसरे के साथ लिपट रही हैं जी। अभी फ़हीम भाई अपने रिक्शे पे जो है ना अपनी भैंसों के लिए और भेड़ बकरियों के लिए जो है ना ये चारा लेके जा रहे हैं, यहाँ से ये हमारा गांव का रास्ता आ रहा है, हमारे गांव का रास्ता उस तरफ से इस तरफ गांव का रास्ता आता है, और ये हमारे कब्रिस्तान का यहाँ से रास्ता, ये सारा ये वाला ये कब्रिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं, हमारी ये टीम जो है, हमारी टीम अभी कब्रिस्तान पहुँच चुकी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे यहाँ पे रिवायत है कि जब भी हम यहाँ पे हज़रत बाबा जी करम शाह के मज़ार पे आते हैं, उनकी कब्र पे आते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना जो भी स्लीपर्स पहन के आते हैं वो यहाँ पे उतारते हैं, तो उसके बाद ही अंदर जाने की परमिशन होती है। व्यूअर्स अभी मैं यहाँ पे हज़रत बाबा जी करम शाह के मज़ार पे हूँ, ये उनका मज़ार है, दरबार है, या फिर आप दरगाह बोल लें, तो अभी ये जो है ना ये हमारे बुज़ुर्ग है, हमारे गांव का जो नाम है ना, हमारे गांव का नाम है काजी करम शाह, तो जो हमारे गांव का नाम है ना वो इन्हीं के नाम से रखा गया है, काजी करम शाह। तो अभी मैं, हमारे कासिम भाई, तकी भाई, अली भाई, फजल भाई, और अभी हमारे कैमरामैन बशारत भाई, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे छोटे भाई हैं, बाकी मेरे कजन्स हैं, हमारे अली भाई तारुफ कराएंगे हजरत बाबा जी करम शाह का, तो आप तारुफ कराएंगे। हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा हैं, हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा हैं, यस बिल्कुल सही बोला है, हम इनकी छठी नस्ल में से हैं, छठी औलाद में से। वाह वाह, क्या खजूर का बूटा,
जैगम भाई आए हैं जी कब्रिस्तान अभी फातिहा पढ़ने। अभी लोग काफ़ी कम आए हैं, मैं जैगम भाई हमारे यहाँ पे ये जितने भी कजन हैं अभी सब जो है ना हम पहले आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी धूप है काफ़ी। हाँ ना इधर जीन है, इधर जीन है बड़े ज़्यादा। किधर है? किधर है? अभी आएगा थोड़ी देर बाद, मेरे दोस्त हो ना। आ चुके ईद है तो अभी मेरे भाई सारे अमीर हैदर भाई, बिशारत अली भाई, फजल अब्बास भाई, इसके अलावा कासिम भाई, तकी भाई, अली वली भाई, हम सारे अभी यहाँ पे कब्रिस्तान में आए हैं। ईद है तो ईद के दिन जो हमारे अपने जो हमसे बिछड़ चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कम अज़ कम ईद की खुशी में जो है वो हमारे साथ मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी याद के लिए हमें कम अज़ कम जो है कब्रिस्तान आके फातिहा जो है ये ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें भी सवाब पहुँचे। ये देखे गम स्टिक सेल्फी स्टिक। ये अमीर हैदर भाई जो है ना ये स्पेशल, चूँकि लॉकडाउन था तो दो महीने से अभी जो है ना ये आइसोलेट है, मुकम्मल तौर पे आइसोलेट है, दो महीने हो चुके हैं अमीर हैदर भाई को। नहीं निकला मैं, अब क्या मैसेज दूँ, मैं यही दूंगा कि गाड़ी बैठे गाड़ी बैठे। जी सारे भाइयों को अमीर हैदर भाई के जितने फॉलोअर हैं उन सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, ये मेरे दादा अबू की कब्र है, और वो हमारे अबाओ अजदाद जो हैं वो मेरे परदादा के बाबा हैं। पीछे आप देख सकते हैं उनका मज़ार है। यहाँ पे ये जितनी भी कब्रें हैं ये सारी हमारी फैमिली की कब्रें हैं। तो व्यूअर्स आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को व्यूअर्स बनाने का मकसद ये है कि ईद की जो खुशी है वो हमें, ये हमारी रिवायत है, ये हमारे त्यौहार हैं, हमें अपने त्यौहारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो कौम होती है ना कौम कभी भी अपने त्यौहार को भूलती नहीं है, वो उसे जोश व जज्बे से सेलिब्रेट करती है। तो ये हम कोशिश यहाँ पे करते हैं कि ये सिर्फ ना सिर्फ खुशी मनाई जाए, इसे सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि यहाँ पे हमारी जो नस्लें हैं, जो औलादें हैं, हमारे यहाँ पर जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, तो उनकी अच्छे तरीके से तरबियत भी की जा सके। ये एक तरबियती वीडियो, ये मोटिवेशनल वीडियो है। सो व्यूअर्स अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो मोहब्बत का इजहार, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में हमने ये जो जिस तरीके से ईद सेलिब्रेट किया है इसके बारे में अपनी राय का इजहार देकर जरूर कीजिएगा कि आपको हमारे इस विलेज में ईद की सेलिब्रेशंस के बारे में देख के कैसा लगा। आप किसी तरह की भी कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। यकीन जानिए व्यूअर्स मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं। सो ये दो काम जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इमरान भाई और हमारी सारी की सारी टीम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक मोटिवेशनल वीडियो, एक मोटिवेशनल मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आप अपना, अपने गिर्दोनवा के सभी लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे, इमरान भाई, हमारी सारी की सारी टीम को भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, इमरान भाई की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जवानों कैसा लगा जी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करके, मज़ा आया सबको? तो अब आप इन्हें बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है, यही दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत दिन की इज्जत व अज़मत के सदक़े में हमारी इस बस्ती पे, हमारे इस छोटे से गांव पे अपना खुसूसी रहमो करम, फजलो करम, अनायत फरमाएँ।